अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। रामराज थाना बहसुमा में दलित समाज की स्कूल जा रही नाबालिग लड़की के साथ गुर्जर समाज के लड़कों ने छेड़छाड़ करते हुए वीडियो बना ली, जिससे वह उसको रोज वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। परेशान होकर जब किशोरी ने बात अपने भाइयों से कही तो लड़की के भाई ने जिस लड़के ने बदतमीजी की उसको थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद लड़का आक्रोश में आ गया और अपने साथियों के साथ दलित समाज की बस्ती में आकर हथियारों से डराते धमकाते हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, जिसकी थाने में शिकायत दर्ज कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पीड़ित पक्ष शिकायती पत्र लेकर SSP ऑफिस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। ऐसा कुछ गुर्जर समाज के कुछ लोग लड़के, लगभग 40 से 45 लड़के दलितों की बस्ती में, हमारे यहाँ पूरा मोहल्ला एक दलित का है, दलितों का है, वहाँ पे हथियारों से लैस होकर वो लोग और डराते हुए धमकाते हुए औरतों को गाली गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो बड़े जो है लाठी डंडे हॉकी और भी बहुत सारे हथियारों के उनके वो उनके पास बैग वगैरह भी थे, उसमें पता नहीं क्या हो सकता है। और वहाँ से लगभग 20 मिनट उन्होंने ये तांडव किया। ये इत्तेफाक है कि वहाँ उस समय जो हमारे लड़के हैं वो नहीं थे, या बुजुर्ग आदमी या जेंट्स नहीं थे, ज़्यादातर औरतें थी घरों में, उस कारण ये विवाद ज़्यादा बढ़ने से थोड़ा सा बच गया। उसके बाद हमने कुछ लोगों को वहाँ के जो उनके उनके समाज के जो सम्मानित लोग हैं उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आदमी हमारे कहने से उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो बीच बचाने वाली कही हो। बाकी उसके बाद वो उनको संरक्षण दे रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि वो हमारे खिलाफ़ भी कुछ मतलब कार्रवाई करने की वो कर रहे हैं। और बड़ा आक्रोश है दलित समाज में, आक्रोश के साथ साथ रोष भी है कि आज SSP साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि क्या वजह थी इसके पीछे बस्ती में उन्होंने हमला करा। सर ये वजह तो कम से कम 20 से 25 दिन पुरानी है। वजह क्या थी? वजह एक लड़की का मामला था। क्या था लड़की का मामला? यह था एक दलित समाज की लड़की, हमारे यहाँ से रामराज पड़ता है 1.5 किलोमीटर, वहाँ पे जो है पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो एक दलित समाज की बेटी है, हमारे समाज से है वो लड़की, लगभग मेरे नाबालिग है, 15-16 साल की लड़की है। उसको उन्होंने मंदिर के पास में उसके साथ बदतमीजी की, उसने अपने भाइयों से गाँव वालों से बताया आके, तो जो जिस लड़के ने वो बदतमीजी करी थी उसको उन्होंने कुछ लोगों ने जो उसके भाई वगैरह थे एक दो कुछ मार मार दिया होगा, एक दो रहपट मार दिया, तो उसका आक्रोश उस लड़के को अभी तक है और उसको संरक्षण दे रहे हैं वो लोग जो जिन्होंने उसकी जमानत करी, जिन लोगों ने उसकी जिम्मेदारी लेकर जमानत कराई वो उसको संरक्षण दे रहे हैं वो लोग। बड़ा जो है दुख की बात है, जबकि कोई भी अपराधी उसको संरक्षण नहीं देना चाहिए, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे गुर्जर समाज से हो, चाहे SC समाज से। SSP साहब ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं कार्रवाई उनके लिए। प्रमोद कुमार।